हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सबसे पहले आप सबके साथ एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ शेयर करते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव रीच्ड 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स। ह्यूज थैंक यू फ्रॉम मी एंड माय फैमिली, एंड आई होप कि इस YouTube फैमिली में डे बाय डे इसी तरह इजाफा होता जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग अस एंड लाइकिंग आवर कंटेंट। अभी बस ना हम लॉन्ड्री करके तो वापस जा रहे हैं अपने यूनिट में, और ये कि ये वीकेंड जो है ना, ये फादर्स डे का वीकेंड है, और बस उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। ये मैंने छोटी सी प्यारी सी एक पिकनिक बास्केट निकाली है, बिकॉज़ हमारा प्लान है कि हम किसी पार्क में जाके तो अंडर द स्टार्स अंडर द स्काई करेंगे एक प्यारी सी छोटी सी टी पार्टी, जिसके लिए मैंने ये थर्मस निकाला है। मैंने सोचा इसमें चाय बना के ले जाऊँगी और वहाँ पर सर्व करूँगी मैं इस प्यारी से टी पॉट में। और जी साथ में कुछ मैंने बस ये बोल्स वगैरह निकाले हैं जिसमें स्नैक्स वगैरह सर्व हो जाएंगे, और ये बड़ा खूबसूरत सा एक टी सेट है और बड़ा ही प्यारा इसका प्रिंट है। इस तरह के प्रिंट्स ना बड़े फैसिनेट करते हैं मुझे। टी पार्टी है तो जी सर्व होंगे अच्छे अच्छे से मज़े मज़े के डिज़र्ट्स एंड पेस्ट्रीज़, और साथ में बना लूँगी कोई सेवरी आइटम। और यहाँ पे मैंने सेट कर ली है जी बास्केट, और बस ये कि आपने हमारे साथ साथ रहना है ताकि आप देख सकें कि हमने अपना फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया। तैयारियां तो सारी चल रही हैं साथ साथ। अभी मैं आ चुकी हूँ बालकनी पे, और ये कुछ नए प्लांट्स हैं जो नवीद लेके आए थे। जब भी ये जाते हैं ना ग्रोसरी स्टोर तो कोई ना कोई नया पौधा लेके आ जाते हैं, जिससे बालकनी पे बड़ी ही रौनक ही रौनक है नए नए पौधों की। और बड़े प्यारे जो है ना आजकल हर पौधा जो है वो ब्लूम कर रहा है, और बड़ा अच्छा लगता है कुछ टाइम इन पौधों के साथ स्पेंड करना। आप भी पौधों के साथ वक्त गुजारा करें घर में, इनका ख्याल रखा करें, और देखिएगा कि आपका मूड कितना अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने बस कुछ बेसिक मसाले डाल के कीमा जो है वो बनाने के लिए रखा है, और एक्चुअली मैंने बनाने हैं आज भरे हुए करेले। नवीद लेके आए हुए थे करेले और उन्होंने फरमाइश की थी कि जी भरे हुए करेले बना के दो, तो ये कैसे हो सकता था कि हस्बैंड की फरमाइश ना पूरी की जाए। तो बस जब कीमा अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिए कुछ प्याज और साथ ही फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया जो है ना वैसे फ्लेवर ही बदल देता है भाई खानों का। थोड़ी सी ड्राई कसूरी मेथी ऐड की थी और साथ ही चाट मसाला भी, और ये ज़बरदस्त सा कीमा जो है ये स्टफिंग के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब मैं ना बना रही हूँ अपने बेटे के लिए पिज़्ज़ा बर्गर, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी है जी बोनलेस चिकन। और गुस्सा आ गया मुझे, अब मुझे गुस्सा आ गया। उफ, गुस्सा ही आएगा ना जब काम करते करते जो है काम बढ़ जाते हैं ना किचन में, तो बहुत गुस्सा आता है। चलें जी, खैर ये तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है बोनलेस चिकन, जिसमें मैंने ऐड किया है पेपरिका पाउडर और कुछ गार्लिक फ्लेक्स और साथ ही टिक्का मसाला, और बस इसको अच्छे से हमने तैयार कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे कुछ जो पिज़्ज़ा की होती हैं ना टॉपिंग्स, वो मैंने अलहदा से रेडी करके रख ली हैं। पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बन, जिसको मैंने हाफ कटिंग की है, और उसका जो टॉप है ना उसको इस तरह से आपने ऊपर से अलहदा कर लेना है। अब बस लगाएं जी मेयो ऐड करें, साथ ही अपनी पसंद की केचप ऐड करें। आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं या बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर ऐड करेंगे जो हमने चिकन तैयार की है, साथ ही मोज़रेला चीज़। इसको कवर करेंगे और साथ ही मेयो ऐड करेंगे और चीज़ ऐड करेंगे, और तमाम टॉपिंग्स जो पिज़्ज़ा की होती हैं जो आपकी चॉइस की हैं वो आप इस पे ऐड कर दें। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, और फिर यही होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना बच्चों के लिए अच्छा अच्छा मज़े मज़े का स्नैक तैयार करना पड़ता है, जिसमें मज़ा भी बहुत आता है, और छुट्टियां तो फिर इसी तरह इंजॉय की जाती है ना खा पी के। बड़ी बड़ी खुशियों के लिए ना मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है और इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है। तो कुछ खा लिया जाए, कुछ बना लिया जाए, इसमें मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, ये पिज़्ज़ा बर्गर को ना मैंने ब्रॉयलर के नीचे रख के इसकी चीज़ मेल्ट की थी। आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, और बस बर्गर वैसे बड़ा मज़े का बना था। अब यहाँ पे मेरी बस तैयारी चल रही है जी करेलों को भरने की।
अच्छा, भरे करेले ना ऐसे लगते हैं जैसे बड़ी ही कोई फैंसी डिश है, और वाकई में है भी है। इसको जब आप लपेटते हैं यूँ धागे से, और जब आप इसकी पूरी तैयारी करते हैं, तो सिंपल से करेले कीमा या करेले गोश्त जो है ना, वो सिंपल ही रहता, वो बस कुछ और ही बन जाता है। एक फैंसी लुकिंग फूड जो कि बच्चों और बड़ों सबको ही फैसिनेट करता है। तो बस मैं यहाँ पे ना फ्रेश रोटी इसके साथ सर्व करूँगी। अच्छा, कुछ खाने होते हैं ना जो बस आपको आपके बचपन की याद को ताज़ा कर देते हैं, तो ये भरे करेले कीमा जो है ना, ये मुझे बस बचपन में ले जाते हैं, और मुझे याद आता है कि मैं भी बस इस तरह बैठ के धागा लपेटती थी, और मैं देख के बड़ा खुश होती थी कि ये भाई क्या बन रहा है ज़बरदस्त सा। चलें जी, करेले बन गए मज़े के, और क्या चाहिए। बाहर जाना था कुछ कामों से, बस काम शाम फारिग किए, बेटे ने कटिंग करवानी थी, उसको वहाँ पे ड्रॉप किया। तो बस आपको पता है ना, बाहर आए तो ये तो भूख वाला जो मसला है ना, वो लगा ही रहता है। बाहर पता नहीं कदम रखते हैं तो भूख जो है वो बस पुकारने लग जाती है, चाहे आप घर से जितना मर्जी खा पी के गए हों। तो खैर जी, हम भी आ गए इस प्यारे से रेस्टोरेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इनका बड़ा कम्फर्टेबल था, और बाहर गर्मी भी बड़ी तेज़ थी इस दिन पे, और बड़ी धूप थी। तो हमने कहा चलें कहीं आराम से बैठ के ना ठंडी सी जगह पे तो खाना खाते हैं। तो हमने मंगवाई, खैर ये बिरयानी, लैम बिरयानी थी, बड़े शौक़ से मंगवाई, लेकिन बस क्या बताऊँ, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा वाकई नहीं आया। अब आप ही बताएं कि हम बिरयानी खाने कहाँ जाएं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द ग्रेट फादर्स। फादर्स से ही जिंदगियों में रौनकें हैं, सुकून है, और इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। बेशक खुदा सबके पेरेंट्स को जिंदगी और सलामती अता करें, आमीन। हमारे फादर्स डे की सेलिब्रेशन तो हो चुकी है यहाँ पे स्टार्ट। सनसेट भी हम एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में अपना सेटअप भी जल्दी जल्दी से सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये था कि कहीं अंधेरा ही ना हो जाए। और बस ये सराउंडिंग्स देखें कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें साथ रखी थी, जैसे कि ये लैंटर्न थी, इसके अलावा मैंने कैंडल्स रखी थी, और मैंने कुछ ड्राई फ्लावर्स की अरेंजमेंट भी साथ में रखी थी, ताकि जो है ना अच्छा सा प्यारा सा सेटअप जो है वो बन जाए। अच्छा, एक दो फैमिलीज तो हमारे पास से गुजरी, तो उन्होंने कोई इतने अच्छे कॉमेंट्स वगैरह ना हमें पास किए, तो बस बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ। इस पार्क में ना वेडिंग चैपल भी बना हुआ है, कई लोग यहाँ पे आके अपनी वेडिंग्स वगैरह की भी सेलिब्रेशन करते हैं, और इसके अलावा फ़ोटोशूट्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। ज़िंदगी ना एक ऐसी कश्ती की मानद है कि जिसके कैप्टन है ना वो फादर ही होते हैं। सफ़र बड़ा पुरसकून रहता है, और साथ ही ये है कि अगर कश्ती डगमगा भी जाए ना, तो आपको पता होता है कि संभल जाएगी, क्योंकि आपके एक लीडर हैं, एक कैप्टन हैं, जिनको आप पूरे एतमाद के साथ करते हैं फॉलो, और बेशक वो हमारे लिए वो तमाम डिसीजंस करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। और इन्हीं के होने से लाइफ जो है, ये दुनिया जो है ना, एक सेफ प्लेस महसूस होती है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इतना कुछ कहते बोलते तो नहीं है, लेकिन ये है कि जहन में न जाने इनके कितना कुछ चल रहा होता है। बस सबको खुश रखने की जिम्मेदारियों को ना ये अपने कंधों पे उठाए रखते हैं। टी पार्टी का सेटअप भी बहुत प्यारा लग रहा था, और यहाँ पे हमारी पार्टी भी हो चुकी है शुरू। गर्मा गर्म चाय का पहला कप किसके लिए होना चाहिए? ऑफ कोर्स, जिनका फादर्स डे है, पहला चाय का कप उन्हीं के लिए। ही वॉज एंजॉइंग हिज डे। आई एम ग्लैड कि उन्हें ये सारी एफर्ट भी बहुत पसंद आई। सेहत तंदुरुस्ती हो और अपनों का साथ हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है इंसान को। मुझे लगता है कि एज अ मदर हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि उनकी लाइफ में उनके फादर की क्या जगह है, क्या इम्पोर्टेंस है, और ये कि वो हमारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। जब वो घर आते हैं तो उन्हें किस तरह का वेलकम जो है वो मिलना चाहिए है, और किस तरह से उनकी हार्डशिप्स को एक्नॉलेज करना चाहिए।
Make them feel special. Celebrate them every day. अब टाइम था केक केक कट किया जाए। वैसे ये केक कटिंग भी क्या मज़े की चीज़ है ना। केक कटिंग ना हर ओकेजन को बहुत ही स्पेशल बना देती है और मज़े का केक भी खाने को मिल जाता है। स्पेशली मुझ जैसे जो डिज़र्ट लवर्स हैं उनके तो मज़े हो जाते हैं भाई। आई होप कि आप सबका फादर्स डे भी बहुत अच्छा रहा होगा और आपने भी एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी मेहनत जो है ना, वो बस अच्छी मेमोरीज क्रिएट करने का ज़रिया बन जाती है। ये मैकरोन्स जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखें ज़रा आप, स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल। मैं कहती हूँ ना कि मेरे हस्बैंड जो है, ही इज़ अ फनी गाय। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते हैं और बहुत सारे लोग हम में ऐसे भी हैं जो कि माँ बाप की नेमत से महरूम हो चुके हैं, माँ बाप का साथ छूट चुका है और हम रोज़ाना की रूटीन में तो उन्हें मिस करते ही हैं, लेकिन जब ये स्पेशल डेज आते हैं ना तो उनकी ज़्यादा ही याद सताती है, जो कि बड़ा मुश्किल है इस टाइम को उनके बिना जो है फेस करना, क्योंकि औलाद को तो माँ बाप की ज़रूरत हमेशा रहती है। मैं बस ऐसे दोस्तों को यही कहूँगी कि अच्छी यादें तो सबके पास होती हैं ना, पेरेंट्स के साथ, अपनों के साथ जो हमने गुजारी होती हैं, तो आप अच्छी यादों को याद करके और अपने पेरेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। जी क्या कर रहे हैं आप? यार करना क्या है, पता ही है कबूतरों ने कितना तंग किया। मैंने रिसर्च की थी और किसी ने बताया है कि जो सीडीज होती है ना, जो हम मूवीज देखते हैं वो, या कोई ऐसी शाइनी चीज़ें ना, वो अगर आप लगाएं तो उससे जो है ना पिजन्स जो है भाग जाते हैं। मैं नहीं मानता। चलो ट्राई करते हैं। एक तो जो कबूतर है जो पूरा सारी जगह छोड़ के और इधर आके अपना पेट साफ करता है, उसका पेट खराब हुआ है और उसने हमारे लिए सही परेशानी बना ली, रोज हमें साफ करना पड़ता है सारा। तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं किसी ने, और ये भी है कि अगर इस तरह के आप फिगर लगा दें ठीक है, तो उससे भी होता है कि कहते हैं कि वो खा जाता है। फिर अभी जॉब से वापसी भी, फिर मैं गया हूँ स्टोर पे, रुका हूँ, मैंने कहा कुछ चीज़ें कलेक्ट करके लेके जाता हूँ आपकी। चलो ट्राई करते हैं कुछ, देखते हैं कि कितना कसर होता है। और हमारी तो बैल्कनी पे जो है ना, इन्होंने कब्जा कर लिया है और हमें जो है खुद बैठने को जगह नहीं मिलती और इतना इन्होंने गंद किया है कि हमें इनकी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। फिर एक मैं देखो ये लेके आया हूँ, ये भी जब जलेगा रात को भी, चलो उसकी आंखों में लाइट पड़ेगी कबूतर की, हो सकता है ऐसे भी भाग जाए। चलें कोई बात नहीं है ना, कबूतर ही है। और यार मुझे कबूतरों से प्रॉब्लम नहीं है, आए बैठे अच्छी बात है, लेकिन अपना पेट खराब जो है ना वो तो ना लेके आए ना यहाँ, सफाई तो भी करनी पड़ती है ना हमें। चलो ये देखो ये लेके आया हूँ, ये भी शाइनी है। तो शाइनी क्यों लाए हैं आप? शाइनी कहते हैं ये उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट करता है, जब ये कोई लाइट पड़ती है ना तो ये रिफ्लेक्ट होता है, तो उससे जो है ये उनको ये चीज़ पसंद नहीं है और वो कोई बात नहीं है। और मैंने कहा चलो ये घूमेगा भी हवा से, तब भी जो है खूबसूरत ही लगेगा। जैसे सिल्वर रिफ्लेक्टर है तो ये भी लगा देंगे वॉल पे, क्योंकि इधर ही आके बैठता है। ये देखें टमाटरों का पौधा, देखें कितने सारे टमाटर जो है ना वो निकल आए हैं, जबरदस्त था ना। शाम के टाइम बस यही होता है, बालकनी पे आ जाओ, पौधों को पानी दो और बस थोड़ा टाइम स्पेंड करो इस तरह से बाहर इनके साथ, और जितना ख्याल रखा जाए ये उतना ही जो है ना बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। ये ना मैंने काटे हैं पीसेस, ये भी रिफ्लेक्टर्स हैं, उनको मैं इधर लगाऊंगा ये ग्रिल के ऊपर, क्योंकि जब ये आके बैठता है तो पहला लैंड इधर ही करते हैं। तो
एक्चुअली जो सीडीज है वो मिली कोई नहीं है, और अपनी जो सीडीज पड़ी हुई थी वो हमने फेंक दी है थोड़े दिन पहले, और अब ये कि दोबारा कुछ इकट्ठी होती हैं ढूंढ के तो फिर लगेंगे। आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई प्यारा सा कमेंट भी करके जाएं। ये देखें रेड टोमेटोज, और अभी धूप में मैंने इसको किया था तो इस वजह से ना ये रेड हो गए, अब होपफुली ये बाकी भी जल्दी से। तो आप तो उतार ही लें? नहीं अभी कल परसों तक उतारेंगे, थोड़े से और हो जाएंगे। खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये मिर्चें भी निकल आई हैं। हाँ मिर्चें भी बड़ी हो गई हैं, तो इन्हें भी करेंगे। लगता है आप पौधों को और कबूतरों को अच्छी खुराक दे रही हैं। इसीलिए जो ना कबूतर का पेट खराब ही रहता है, है ना? और मेरे लिए जो है ना ये काम बढ़ाता है। गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में आम ना खाए जाएं ये तो हो नहीं सकता। बस आजकल खूब आमों की पेटियां आती हैं और कहाँ जाती हैं कोई पता नहीं लगता। ओके जी, मुझे दें इजाज़त, खुश रहें और खुशियां बांटें। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।